मेरे से दिन में ही खराब हो गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, और ला दूंगा। अरे बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही है, मैं तुझे अंदर से न्यू कार निकाल के देती हूँ। परम मामू लाए थे आपके लिए स्पेशली दुबई से। वाह दुबई से, फिर तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होगी ना। ऑफ कोर्स बेटा, आपको तो पता ही है परम मामू का, वो एक से एक एक्सपेंसिव चीजें लाते हैं आपके लिए। यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और पुनीत अपने मायके का घमंड दिखाने से नहीं थक रही है। उठाऊं ना उठाऊं, उठाऊं ना उठाऊं। हेलो, अच्छा ठीक है। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। कैसी लगी ये कार? वाह मम्मा, ये कार तो बहुत ही अच्छी है। वो देखो इधर ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। और ये भी गाय बाय बाय। वाह मामू तो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, मैं तो आज तक इंडिया से बाहर नहीं गई। काश मैं भी न्यूजीलैंड जा पाती। पापा को बोलूं कि हम भी कहीं घूमने चले। पापा। हाँ जी बेटा। आपको पता है मामू न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अच्छा पापा, क्या हम भी कहीं जा सकते हैं? नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा सकते। पर क्यों पापा? बेटा अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको नहीं समझा सकता। पापा हम इंडिया से बाहर कभी भी नहीं गए हैं, क्या हम प्लीज जा सकते हैं? मामू हर महीने फॉरेन जाते हैं, हम तो इंडिया में ही बैठे रहते हैं, कभी बाहर गए ही नहीं। अरे तो हमारे पास पैसे नहीं है खर्चने के लिए। तुम्हारे मामू अमीर है, मैं गरीब हूँ। क्योंकि 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 मेरी जॉब चली गई है। क्या जॉब चली गई है? तो अब हम क्या करेंगे रमी? करना क्या है, अब रहो एक गरीब और बेरोजगार आदमी के साथ। Later. परम को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ परम। हुआ दीदी, बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ वो ना तुम्हारे जीजा जी की जॉब चली गई है। क्या? हाँ, और तुम्हें तो पता ही है इतनी महंगाई है, स्कूल की फीस, राशन का खर्चा, ट्यूशन की फीस और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। दीदी मैं कोई हेल्प कर दूँ? अरे नहीं, अभी तो हम मैनेज कर लेंगे, पर जल्दी से रमणीक की जॉब लग जाए। दीदी आप परेशान क्यों होते हो? भगवान की दया से मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मैं कोशिश करके जीजा जी को भी यही रेफर कर दूंगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, पक्का ना परम, तू कर देगा ना? पर तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे दीदी तकलीफ कैसी, ऐसे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं, और रेफर करने के मुझे पॉइंट्स ही मिलेंगे कंपनी से। अगर जीजा जी को जॉब मिल गई तो उनका भी फायदा और मेरा भी। हाँ ये बात तो है, ये बहुत अच्छा सोचा तूने, थैंक यू। चल अच्छा मैं फोन रखती हूँ। रमणीक, परम का ना प्रमोशन हुआ है। परम परम परम, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे परम से। जब देखो परम की अमीरी के गुणगान करती रहती हो और मुझको नीचा दिखाती रहती हो। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही थी। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर रही थी। पापा पापा ये देखो, जो परम मामू मेरे लिए टॉय लाए थे ना वो। मुझे नहीं देखना तुम्हारे परम मामू का कोई भी टॉय। क्या हो गया है पापा को? पता नहीं बेटा, जब से जॉब गई है ना तब से ऐसा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। Later. रमनीक, रमनीक, परम ने ना कल अपने घर में पार्टी रखी है और हम सबको बुलाया है। यहाँ मेरी जॉब चली गई है और तुम्हारे भाई को पार्टी की पड़ी है। रमनीक, उसका प्रमोशन हुआ है, उसको खुशी है, इस खुशी में उसने पार्टी रखी है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम और तुम्हारे मायके वाले मुझे नीचा दिखाना कब बंद करोगे। रमनीक, कोई नीचा नहीं दिखा रहा आपको। अरे जब उस पार्टी में सब खड़े होंगे और वो बोलेंगे कि ये देखो परम के प्रमोशन की पार्टी है और इसका बड़ी बहन का पति घर बैठा है बेरोजगार। रमनीक, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा, आई प्रॉमिस। हाँ जी पापा, आप प्लीज पार्टी में चलो ना। हाँ जी पापा। अच्छा ठीक है, अपने भाई को पहले ही समझा देना कि मेरी जॉब चले जाने की बात कोई ना करे। अच्छा, मैं बोल दूंगी। The next day, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने को और उस पार्टी के अंदर पुनीत के रिश्तेदार सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आएंगे। ये वाली टी शर्ट ही पहन लेता हूँ। ये वाली ड्रेस मुझे परम ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, कितनी सुंदर है ना। आज यही ड्रेस पहन के जाऊंगी, परम को भी अच्छा लगेगा। हाँ। अरे पुनीत। हाँ जी। ये वाली टी शर्ट भी प्रेस कर दो पार्टी के लिए। रमनी, ये तो बहुत पुरानी टी शर्ट है ना। अरे तो मेरे पास और नहीं है, मैं क्या करूं? आप वो ब्लू वाली क्यों नहीं पहन लेते जो परम ने आपको गिफ्ट की थी? परम परम, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि अब मैं किसी का दिया हुआ पहनूं। रमनी, देखो मैं भी तो वही ड्रेस पहन रही हूँ जो परम ने मुझे गिफ्ट की थी, तो क्या हो गया, आप भी वही पहन लो ना। तुम्हारी तो आदत है मुझे बार बार नीचा दिखाने की। तुमने जानबूझ के इतनी महंगी ड्रेस पहनी है क्या कि मैं तुम्हारे सामने गरीब और लाचार लगूं। आप कैसी बात कर रहे हो रमनी, मैं आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? क्योंकि तुम एक अमीर परिवार से आती हो और मैं तुम्हें वो खुशियां कभी नहीं दे पाया जो तुमको तुम्हारे पापा ने दी हैं और इसी वजह से तुम बार बार मुझे मेरे अमीर ना होने का एहसास कराती हो। आपने कैसी बातें अपने दिमाग में डाल ली हैं? ये सब गलत है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अगर खुश होती तो मेरे लाए हुए कपड़े पहनती, कि परम के लाए हुए महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनती और बच्चों को भी बोलती कि पापा के लाए हुए टॉयज से खेलो। अरे तो क्या हो गया, अगर बच्चों को परम के लाए हुए टॉयज ज्यादा अच्छे लगते हैं तो। देखा, आज तुमने खुद कह दिया कि तुम्हारे भाई के लाए हुए टॉयज ज्यादा अच्छे हैं और मेरे लाए हुए टॉयज बुरे हैं। और तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने भाई के घर ही रहने जाओ। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा और शायद कभी, मतलब तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, ये सब छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम जाओ। तो तुम भी जाओ, इसके साथ ही जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। अब तुम ऐसा करो, अपने भाई को फोन करो कि ड्राइवर भेजे तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनान्या वर्सेस शनाया हेयर स्टाइल चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 ब्लॉग्स पे। हमारी टीम जीती है गाइस, हमारी टीम। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया।